फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कैमरा ऑफ हो जा रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो कभी धूप के कारण इतना पसीना हो रहा है कि ठीक है शूटिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है, ये जो एरोपेल पैलेट्स हैं उसका रिव्यू डालने का। तो चलिए चला कर देखते हैं एरोपेल पैलेट्स कैसे चलते हैं। अभी सुबह के करीब 10:15 बजे हैं, तो मौसम ज़्यादा गर्म हुआ नहीं है, पर तब भी आप पसीना से देख सकते हैं कि यहाँ के टेम्परेचर बहुत हाई है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पैलेट्स एरोपेल के इसको लगा के 22 मीटर 25 यार्ड वाले रेंज पर, और देखते हैं ये एरोपेल पैलेट्स कैसे परफॉर्म करते हैं। थोड़ा नीचे मार रहे हैं, एक और थोड़ा ऊपर, बुलसाई तीसरा, साइड में। तो ये शॉट देख के मुझे एक शेखर सुमन का बी ग्रेड मूवी याद आ रहा है, रमेश बाबू यहाँ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यहाँ कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। इसको बोलते हैं टारगेट का पूरा यूज करना। तो ये था 22 मीटर 25 यार्ड पे इतना घटिया परफॉर्मेंस, 450 रुपये गए, 450 नहीं 650 के पैलेट्स हैं गए। अब एयरबॉस अपोलो के हैं फील्ड टारगेट 9 ग्रेन्स की, इसको ट्राई करते हैं। इससे जस्ट ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रॉब्लम मेरे गन पे तो नहीं है, बैरल गंदा तो नहीं हो गया है। जैसा ग्रुप से देख सकते हैं गन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सारा ये महाशय जो अपोलो के पैलेट्स हैं उनके, थोड़ा सा H&N हंटर एक्सट्रीम चला लेते हैं, मेरा फेवरेट पैलेट है। कैन नया खुला हुआ सामने में है और गन में हवा है, मौसम ठीक है, टारगेट लगा हुआ है, तो ये मौका वेस्ट नहीं करना चाहिए। 8 पैलेट्स लोड किया मैंने, मुझे इससे बहुत कॉन्फिडेंस है। एक डॉट सेट नीचे, एक डॉट सेट नीचे याद रखेंगे। ये मैं आपको सिंगल होल शूटिंग करके दिखा रहा हूँ। H&N का बैराकूड ऐसा पैलेट है हंटर एक्सट्रीम में, आपको गारंटी के साथ सिंगल होल में मार के दिखा सकता हूँ। आठवां और आखिरी पैलेट, चार सिंगल होल पे गए जो ग्रुप बना करीब डेडली ग्रुप बना आधा सेंटीमीटर का। अब अपोलो के कुछ डोम्ड हैं, इनको चलाते हैं। अपोलो के डोम्ड पैलेट्स डाना में अच्छा नहीं चलते हैं, PX100 या कोई भी पैलेट खा जाता है,
अगर TX100 पे एरोपेल भी नहीं चला तो समझ सकते कितना है वाहियात और घटिया पैलेट है चलाते। ये जो दो टारगेट बचे हैं यहाँ पे, सवा नीचे मैंने यहाँ रखा था, थोड़ा सा इतना नीचे है, इतना रखूँगा तो सेंटर पे लगेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक उठा के ऊपर ऐसे साइड, इस तरह से हम बुलसाई मार सकते हैं। और पैलेट की क्वालिटी ऐसी है कि मैं अगली बार भी ऐसे करूँगा तो वहीं पे लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं गर्मी, आराम से, हड़बड़ी की बात नहीं। ये था आज का शूटिंग, आई होप ज़्यादा एडिट नहीं करना पड़े, फटाफट अपलोड कर दूंगा।